हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। सो आज देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करेंगे जो है टोक्यो पैरालंपिक्स 2021। तो देखिए जैसे कि टोक्यो ओलंपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए और डेफिनेटली आपके क्वेश्चन टोक्यो ओलंपिक्स से भी आएंगे, टोक्यो पैरालंपिक्स से भी आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आप सभी को पता है कि पैरालंपिक्स जो है वो शुरू हो गए हैं। सो उसके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अभी स्टार्टिंग के बनेंगे वो हम आज कवर करेंगे और जब ये ख़त्म हो जाएगा यानी 5 सितंबर के बाद आपका जो किसने कौन सा मेडल जीता है उसके ऊपर जो क्वेश्चंस बनेंगे उनको हम बाद में कवर करेंगे ताकि आप लोग दोनों चीज़ों को अच्छे से कवर अप कर सकें। तो वीडियो इम्पॉर्टेंट होगी और जो इन्फॉर्मेशन होगी वो भी यहाँ पे मैं आपको शेयर करती रहूँगी और इस वीडियो का आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम से। तो मेक श्योर आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें और अगर आप लोगों को लॉजिक पाठशाला की वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं, आप लोगों को लगता है कि एग्ज़ाम में काफ़ी आपको हेल्प करते हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऑल्सो आप मुझे कॉमेंट करके भी बता सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में है तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला क्वेश्चन है कि कौन सी कंट्री यहाँ पर होस्ट करेगी समर पैरालंपिक्स 2021। देखो कई जगह आपको 2020 लिखा होगा तो आप लोगों को कन्फ्यूज़ नहीं होना। जिस तरीके से ओलंपिक्स आपके 2020 के थे बट हुए आपके कब, 2021 में हुए, उसी तरह से पैरालंपिक्स भी 2020 में ही होने थे बट कोविड के दौरान नहीं हो पाए। तो इसलिए आपको कंफ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना, ये 2020 के ही आपके पैरालंपिक्स हैं और ये ग्रीष्मकालीन यानी इस बार ये समर हुए हैं, समर वाले हुए हैं। तो इसे होस्ट कौन सी कंट्री कर रही है, भाई जापान ही इसे होस्ट कर रही है। दोनों चीज़ों में सेम ही है, ओलंपिक में भी और पैरालंपिक में। देखिए शुरू हो गए हैं ये 25 अगस्त से और चलेंगे 5 सितंबर तक। इस साल जो पैरालंपिक्स हो रही हैं ये 16th हो रही हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन एक ये भी बन सकता है कि जो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक्स हैं उनका कौन सा एडिशन हो रहा है, इस बार 16th हो रहा है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मैस्कॉट, भाई शुभंकर क्या है टोक्यो पैरालंपिक का। तो देखिए अगर हम टोक्यो पैरालंपिक के शुभंकर की बात करते हैं तो वो है सुमाइती। मिराइतोवा जो था वो था ओलंपिक का और सुमाइती ये है पैरालंपिक का शुभंकर, ध्यान रखिएगा। सुमाइती देखो जो है ना इसका इंग्लिश में मीनिंग ट्रांसलेट करें तो वो होता है सो माइटी, मतलब कुछ मतलब एक तरीके से चेरी ब्लॉसम सेंसर्स होते हैं, लाइक ये आपको मदद करते हैं आपका मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ, तो उसी को ही लेते हुए यहाँ पर ये शुभंकर है, उसका नेम है सुमाइती, क्लियर। इस बार देखो ये सेकेंड बार हो रहा है, यहाँ पे थोड़ी सी आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी लेते रहें और ये बहुत इंपॉर्टेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो ये देखिए दूसरी बार हो रहा है जब पैरालंपिक्स होस्ट हुआ है आपका कौन सी कंट्री में, जापान में, क्वेश्चन बन सकता है। और इससे पहले 1964 में टोक्यो में होस्ट किया गया था पैरालंपिक्स को, तो ध्यान रखिएगा सेकेंड टाइम्स हो रहा है और इस बार भी पहले ईयर है जो पैरालंपिक्स हो रही हैं आपके एशिया में, मतलब 1964 में ही पहली बार पैरालंपिक एशिया में हुए थे और पहली बार ही उन्हें कलर टेलीविज़न में देखा गया था। तो ये जो क्वेश्चन आपके ना कई तरीके से बन सकते हैं तो मैंने कोशिश करी कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन लेके चलूं। इसके बाद है हाउ मेनी स्पोर्ट्स आर टू बी प्लेड इन टोक्यो पैरालंपिक्स गेम, टोटल कितने गेम्स खेले जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल की बात करते हैं तो टोटल आपके 22 गेम्स, तो आपको 22 गेम्स के नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग ध्यान रखो बट 22 जो टोटल गेम्स हैं वो खेले जाएंगे। और इसमें देखो 539 जो है वो इवेंट्स होंगे जो कि पूरे के पूरे पैरालंपिक्स में चलेंगे और पूरे के पूरे जापान में अलग 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 आयोजकों या अलग अलग वेन्यूज़ पर ये सारी चीज़ें कराई जाएंगी। इसके बाद है टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत के कितने एथलीट्स भाग ले रहे हैं इस बार, तो इस बार जो भाग ले रहे हैं वो हैं 54। तो नंबर ऑफ एथलीट्स ध्यान रखिएगा, जब कोई गोल्ड मेडल या कोई सिल्वर या ब्रॉन्ज आएगा तो वो हम लोग लास्ट में कवर करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस भी बनेंगे, ये क्वेश्चन भी आपके स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है इन हाउ मेनी स्पोर्ट्स, मतलब कितने स्पोर्ट्स हैं जिसमें इंडियन एथलीट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ एथलीट्स तो आपके 54 हो गए जो इंडियन एथलीट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन कितने गेम्स में कर रहे हैं, कितने स्पोर्ट्स में कर रहे हैं, तो स्पोर्ट्स हैं यहाँ पे टोटल 9। आप इन 9 के स्पोर्ट्स के नाम ध्यान भी रख सकते हो, आर्चरी, एथलेटिक्स,
बैडमिंटन, पैरा कैनोइंग, पावर लिफ्टिंग, शूटिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस और ताइक्वांडो। तो इन 9 से भी क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा ऐसा स्पोर्ट है जिसमें इंडियन एथलीट ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है, विच टू गेम्स आर गोइंग टू रिप्लेस सेलिंग एंड 7A साइड फुटबॉल इन टोक्यो पैरालंपिक्स 2020। तो भाई दो गेम्स को रिप्लेस किया गया, मतलब इनकी जगह पर दूसरे गेम आए हैं नौकायन और 7A साइड फुटबॉल की जगह। तो देखिए यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, बैडमिंटन और ताइक्वांडो। तो देखिए यहाँ पर आपके जो नौकायन और इसकी जगह बैडमिंटन और ताइक्वांडो ने इनको रिप्लेस कर दिया है, मतलब यहाँ पे गेम्स जो हैं वो रिप्लेस हुए हैं। यहाँ पे देखो 5A जो यहाँ पे तो नहीं है, बट अभी ये आगे आएगा, मैं इसके बारे में आपको तभी बता दूंगी। इसके बाद देखिए टोक्यो पैरालंपिक्स गेम का मोटो क्या है, पहले हमने पढ़ा था मैस्कॉट, इसका जो मोटो है वो है यूनाइटेड बाय इमोशंस। देखो कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, मोशंस और इमोशंस में कई बार हम जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, तो आंसर होगा यूनाइटेड बाय इमोशंस। इसके बाद है प्रीवियस, यानी इससे पहले जो पैरालंपिक्स हुई हैं ये बताना है 2016 में हुए, चलो ये तो हमें पता चल गया, लेकिन ये हुए कहाँ पे थे, ये हुए थे आपके रियो डी जनेरियो में। तो 15th एडिशन था, क्योंकि इस बार जब 16th हुआ था तो पिछली बार 15th हुआ होगा 2016 में, क्योंकि हर 4 साल के बाद होते हैं ओलंपिक्स, और कहाँ पे, रियो डी जनेरियो में हुए थे। इसके बाद है टोक्यो पैरालंपिक्स में बताना है पाकिस्तान के कितने एथलीट जो हैं वो भाग ले रहे हैं, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 2। अब इनके नाम पता होना चाहिए, देखिए एक का नाम है हैदर अली जिन्होंने डिस्कस थ्रो में यहाँ पे क्वालिफाई किया है, सेकंड नेम है अनिला इज़त बैग, इन्होंने 564 इन्होंने भी डिस्कस थ्रो में, उन्होंने F37 में और इन्होंने F64 डिस्कस थ्रो में क्वालिफाई किया। तो 2 एथलीट्स हैं, ध्यान रखिएगा इनका नेम भी। अगला है, भाग लेने वाले एथलेटिकों की संख्या के मामले में टोक्यो पैरालंपिक में किस देश का सबसे बड़ा दल है, मतलब कौन सा ऐसा नेशन है जिसके सबसे ज़्यादा एथलीट्स जो हैं वो टोक्यो पैरालंपिक में भाग ले रही हैं, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ब्राज़ील। टोटल है ब्राज़ील के 253 एथलीट्स जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो आपको आंसर ध्यान रखना है किसका, ब्राज़ील। इसके बाद है टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में ध्वजवाहक कौन बनने जा रहे हैं, मतलब कौन बने, अब तो बन चुके हैं। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे गलती हो सकती है क्योंकि पहले मरियप्पन थंगवलु थे, बट अब टेक चंद को यहाँ पर जो फ्लैग बियरर है वो बनाया गया। अब इसका रीज़न ये था देखिए कि जो मरियप्पन थंगवलु है ना उनको क्वारंटाइन किया गया है, क्योंकि वो ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आए जो कोविड पॉजिटिव थे, इसलिए उनको क्वारंटाइन किया गया है, इसलिए वो ओपनिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट नहीं कर सके। तो टेक चंद उनकी जगह पर थे फ्लैग बियरर ऑफ द इंडियन कॉन्टीजेंट। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। इसके बाद है देवेंद्र झाझरिया जिन्होंने रियो पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था, अब उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक्स में के लिए भी क्वालिफाई किया है, कौन से स्पोर्ट से इनका संबंध है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जेवलिन थ्रो। तो लास्ट ईयर इन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल भी जीता था लास्ट ओलंपिक में, और ये जेवलिन थ्रो जो है वो स्पोर्ट से संबंधित हैं। इसके बाद है विच ऑफ द नेशन विदड्रॉ फ्रॉम द टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 ड्यू टू इंस्टेबिलिटी एंड वायलेंस इन देयर कंट्री। तो कौन से देश ने अस्थिरता और हिंसा के कारण टोक्यो पैरालंपिक्स से अपना नाम वापस ले लिया या फिर वो हट गए। आप सभी को पता है कि अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे इनस्टेबिलिटी हो गई है, बहुत वॉयलेंस हो गया, तो उसकी वजह से टोक्यो पैरालंपिक्स से वो हट गए। तो इसके आपका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। इसके बाद है कौन सा नेशन है जिसने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते थे लास्ट पैरालंपिक्स में, जो कि कहाँ पे हुए थे, रियो में हुए थे। तो बात करते हैं गोल्ड मेडल के सबसे ज़्यादा किसने जीते थे, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा चाइना। एक बार आप इस टेबल के और ध्यान दो कि चाइना के द्वारा देखिए यहाँ पे 107 गोल्ड मेडल जीते गए थे और 239 टोटल मेडल्स थे चाइना के पास। फिर ग्रेट ब्रिटेन था, थर्ड इज़ यूक्रेन, फोर्थ इज़ यूनाइटेड स्टेट्स। और अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो लास्ट टाइम इंडिया ने 2 गोल्ड मेडल जीते, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज, यानी टोटल 4 मेडल जो हैं वो लास्ट वाले जो पैरालंपिक्स हुए थे 2016 में उसमें जीते इंडिया ने। तो इंडिया का ध्यान रखो, इंडिया से क्वेश्चन तो वैसे भी बन जाता है।
इसके बाद है कि पहली डेट द फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स टेक्स प्लेस, तो जो पहले पैरालंपिक गेम शुरू हुए थे वो कौन से वर्ष में हुए थे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग समर ओलंपिक्स की बात करें तो समर पैरालंपिक्स की बात करें तो 1960 यानी 1960 में रोम इटली में शुरू हुए थे पहले ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक्स। और अगर शीतकालीन की बात करते हैं तो इनका जो आयोजन हुआ था सबसे पहला हुआ था आपका विंटर पैरालंपिक्स 1976 में स्वीडन में हुआ था। तो ये दोनों ध्यान रखो, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जो फ्लैग बियरर शुरू हुआ था ना कि ओलंपिक में जो झंडा फहराया जाता है वो शुरू हुआ था 1984 के लॉस एंजलिस में जो पैरालंपिक्स थे तब से। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब पूछा है कि पैरालंपिक गेम जो 2024 में होंगे, मतलब 2024 का मतलब हो गया कि आपके जो अगली बार के पैरालंपिक्स होंगे ये कहाँ पे होंगे। तो इस बार के देखो, इस बार के कौन से, पहली बार तो इस बार कौन सा एडिशन हो रहा है ये ध्यान रखो, इस बार 16th है। तो जब इस बार 16th है तो अगली बार कौन सा एडिशन होगा, 7th एडिशन होगा, बिल्कुल ये ध्यान रखना है आप लोगों को। और यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सी कंट्री जो है वो उसे होस्ट करेगी, कहाँ पे होंगे, तो ये होंगे आपके पेरिस में। तो ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, पेरिस में जो है वो अगली बार 2024 के पैरालंपिक्स होंगे। पैरालंपिक खेलों में अब तक का सबसे सफल एथलीट कौन रहा, तो यहाँ पे बात करें सबसे सफल एथलीट्स की तो उनका नेम है ट्रिस्का जॉन। ट्रिस्का जॉन देखिए अगर बात करें मोस्ट डेकोरेटेड पैरालंपिक एथलीट हैं जिन्होंने 55 अब तक मेडल्स जीत लिए हैं, 41 गोल्ड, 9 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। तो ध्यान रखिएगा इनका नेम और ध्यान रखिएगा। करंट में वर्ल्ड चैंपियन संदीप चौधरी विल टेक पार्ट इन विच स्पोर्ट एट टोक्यो पैरालंपिक्स 2020। तो संदीप चौधरी ने भाई ये कौन से खेल से संबंधित है, सिंपली आपसे बस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो अगर हम बात करें जो संदीप चौधरी हैं ये इनका संबंध है जेवलिन थ्रो से, क्लियर हो गया, जेवलिन थ्रो इज द करेक्ट आंसर। अगला है कौन सा स्पोर्ट्स है जिसमें खाली आपके खुला है वो सिर्फ और सिर्फ मेल कॉम्पिटिटर्स के लिए। तो मेल कॉम्पिटिटर्स में खुला हुआ है सिर्फ और सिर्फ 5-a-side फुटबॉल। 5-a-side फुटबॉल का मतलब होता है देखिए इसमें 5-5 खिलाड़ी होते हैं, इसकी पिच छोटी होती है और सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी कम होती है अगर हम मेन फुटबॉल की बात करें तो। इसके बाद है रशियन एथलेटिक्स टेक पार्ट इन टोक्यो पैरालंपिक्स अंडर विच न्यूट्रल बैनर ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन बाय वाडा। आपको पता है कि रशिया पे वाडा के द्वारा रेस्ट्रिक्शन लगाया गया, बैन किया गया था उनको। तो जो रशियन के एथलेटिक्स हैं, एथलीट्स हैं, वो रशिया की तरफ से नहीं यहाँ पे खेल रहे, यानी रशिया का नाम नहीं आ रहा जैसे इंडिया का नाम आ रहा है, उसकी जगह पर किसका नाम आ रहा है, रशियन पैरालंपिक्स कमेटी। तो इस नाम से ही जितने भी रशियन एथलीट्स हैं वो यहाँ पर इस पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके बाद है भारत का कौन सा नेबरिंग नेशन है, पड़ोसी देश है जो पहली बार पैरालंपिक में भाग ले रहा है, तो आंसर हो जाएगा भूटान। तो भूटान है पहला देश भारत का, भारत का नेबर स्टेट भी है, सॉरी नेबर नेशन भी है जो कि पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा। भूटान के साथ अगर हम बात करें एक और नेशन है जिसने अपना डेब्यू, यानी जो डेब्यू का मतलब वही हो गया कि पहली बार ही टोक्यो पैरालंपिक में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो कंट्री का नेम है गुयाना। गुयाना यहाँ पे सही आंसर। अगला है पहला गोल्ड मेडल पैरालंपिक 2020 में किसने जीता। तो देखिए सबसे पहले जो गोल्ड आया था इसमें पैरालंपिक में वो लाई हैं पेज ग्रेको, ये साइकिलिस्ट हैं और आप देख सकते हैं गोल्ड मेडल उन्होंने जीता 3000 मीटर की जो इंडिविजुअल परस्यूट जो है उनको इन्होंने उसमें यहाँ पर इंडिविजुअली गोल्ड मेडल जीता है और ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। ध्यान रखेंगे बिल्कुल, कंट्री भी ध्यान रखो और गेम क्या है इनका, स्पोर्ट्स है साइकिलिस्ट। इसके बाद है किसने हिस्ट्री क्रिएट किया है जो कि पहले इजरायली अरब बनी है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है पैरालंपिक्स में और ओलंपिक्स में। तो यहाँ पे देखिए इनका नेम की बात करते हैं तो ये पहले इजरायली अरब है, ध्यान रखो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इयाद शलाबी। इयाद शलाबी इनका नेम है और ये इसराइल के स्विमर हैं। तो स्विमिंग से यहाँ पे स्विमिंग स्पोर्ट से संबंधित है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद है हु लॉन्च द थीम सॉन्ग कर दे कमाल तू ऑफ टोक्यो पैरालंपिक्स।
तो देखिए अनुराग सिंह ठाकुर, क्योंकि इनके पास अब स्पोर्ट मिनिस्ट्री आ गई है, तो इन्होंने ही जो ऑफिशियल इसका सॉन्ग है, आप कह लो इसका थीम सॉन्ग है, इसको लॉन्च किया। इस थीम सॉन्ग को गाया किसने है, तो एक दिव्यांग क्रिकेट प्लेयर हैं संजीव सिंह, उन्होंने इसको कंपोज भी किया है और उन्होंने इसको गाया भी है। तो दोनों नाम ध्यान रखो, संजीव सिंह का क्योंकि इन्होंने गाया है और अनुराग सिंह ठाकुर ने इसे लॉन्च किया है। तो भाई ये थे हमारे पैरालंपिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके अभी स्टार्टिंग में बन सकते थे, वो सभी मैंने आपको करा दिए। और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे वो लास्ट जब ये आपके ख़त्म हो जाएंगे पैरालंपिक्स, उसके बाद हम कवर करेंगे। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी मददगार लगेगी। ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के लिए जुड़े रहें लॉजिक पाठशाला से। आप लोगों को मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।